नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। गांव चलो अभियान के बाद हितग्राही संपर्क अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जाएगा। 25 फरवरी से 4 मार्च तक मध्य प्रदेश में हितग्राही संपर्क अभियान चलाया जाएगा। 25 फरवरी को अमित शाह 3 परिवारों से यहां पर मुलाकात भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, सभी कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। अलग अलग योजना के हितग्राहियों से संपर्क किया जाएगा, तमाम जानकारियां उन तक पहुंचाई जाएंगी। और इसी समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। गांव चलो अभियान के बाद अब हितग्राही संपर्क अभियान चलाया जाएगा। 25 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। 25 फरवरी से 4 मार्च तक मध्य प्रदेश में हितग्राही संपर्क अभियान चलेगा। बड़ी बात यह है कि 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 परिवारों से मुलाकात भी करने वाले हैं। इस पूरे अभियान में मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, सभी जो कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे। अलग अलग योजना के हितग्राहियों से संपर्क किया जाएगा, उनसे जानकारी उन तक पहुंचाई जाएगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि उन्हें इस योजना का कितना लाभ मिल रहा है। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, गांव चलो अभियान के बाद अब हितग्राही संपर्क अभियान बीजेपी की ओर से, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण ये अभियान? 25 फरवरी एक महत्वपूर्ण तारीख जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास और किस तरीके से इसका फायदा जमीनी स्तर पर पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की हितग्राहियों से पार्टी सीधा संवाद करेगी। उनसे संवाद के माध्यम से उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हितग्राही उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर से बीजेपी ये अभियान शुरू करने जा रही है। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 लाभार्थी परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और इसके बाद जो मार्च का शुरुआती 4 तारीख तक का अगला 2-3 दिन होगा, उन दिनों में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। बिल्कुल, और सभी आकाश जमीनी स्तर पर किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जाए और जिन जो हितग्राही हैं उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है उन तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाए, यही बीजेपी का मकसद है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा।